हेलो भाई लोगों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल साजो सफर विद सचिन के रिव्यू एडिशन पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना कीमती समय कोई मूवी देखने के लिए ज़ाया करना चाहिए या फिर ताजमहल ही तेजो महालय है जैसे इंपॉर्टेंट डिबेट को देखकर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, आज मैंने एक ऐसे मूवी का ट्रेलर देख लिया जो आएगी और चले भी जाएगी, लेकिन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों को देखना है बच्चन पांडे गांडूपंती 2 और बेवजह ही कार्तिक आर्यन को ट्विटर पे ट्रोल करना है, आई डोंट नो व्हाई, इवन बिफोर द मूवी रिलीजेस। छोटी बच्ची हो क्या? सो एनीवेज, अपने रिव्यू पे वापस आते हैं। मैंने देखा अर्ध मूवी का ट्रेलर स्टारिंग राजपाल यादव एंड जुबिना दिलायक। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे एक्टर बनना है और वो मुंबई आता है, लेकिन अपने ज़िंदगी के जद्दोजहद में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि उसे एक किन्नर का ड्रेसअप करके ट्रैफिक में पैसे मांगने पड़ते हैं और कभी मजदूर बनकर ईंटें पत्थर धोने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो एक सपना है वो जिंदा रहता है और वो चाहता है कि कहीं से कोई उसकी टैलेंट को पहचान ले और उसे एक काम मिल जाए ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ सके और उसका सपना जो है वो साकार हो सके। तो भाई साहब, मूवी का ट्रेलर देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि राजपाल यादव साहब अपने और अपने जैसे हज़ारों टैलेंटेड एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अंदर का जो दर्द है और पीड़ा है उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें पता है कि राजपाल यादव साहब कितने ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, ही इज़ एन एस डी पास आउट, जहाँ लोगों की कान फट जाती है एडमिशन लेने के लिए वहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखी है, लेकिन बॉलीवुड में किस तरह से उन्हें स्टीरियोटाइप किया गया, एक तरह के रोल अभी तक दिए जाते हैं जबकि उनके पास वैराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करने का प्रतिभा है, उनको एक तरह का बस कैरेक्टर दिया जाता है और वो शुरू से दिया जा रहा है और अभी तक ये कंटिन्यू है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी से बाकी जो बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आँखें खुलेगी और उनको दिखेगा कि ऐसे प्रतिभा जो है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं उनको खोजे और इन एक्टर्स को थोड़ा सा इनक्रेजमेंट मिले ताकि ये अपने फील्ड में और भी अच्छा कर सके और जब ये अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो OTT से ये शुरुआत अभी हो चुकी है और उम्मीद है कि बॉलीवुड भी इसे धीरे धीरे अपनाएगा और अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में अभी तक जिनको अभी अच्छे से अच्छी पहचान नहीं मिल पाई है, अच्छा काम नहीं मिल पाया, उनको मिलना शुरू हो जाएगा इवन बॉलीवुड में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मूवी जो है जी स्टूडियो में फ्रीली अवेलेबल होगी फ्रॉम 10th of June, आप ज़रूर देखिए और आप देखेंगे तभी इन मूवीज़ को इनकरेजमेंट मिलेंगी, इन डायरेक्टर्स को इनकरेजमेंट मिलेगी कि ये और भी इस तरह की मूवीज़ बनाएं और इससे हमारा फ़ायदा होगा क्योंकि इतने अच्छे इतने टैलेंटेड एक्टर्स की जो एक्टिंग हम इतने सालों से मिस कर रहे हैं वो हमें देखने को और भी ज़्यादा मिलेगी। सो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अर्ध मूवी को आप देखें, ज़रूर देखें। मूवी ट्रेलर से जो भी मुझे अभी तक पता चला अच्छी है, एक्टिंग तो लाजवाब होगी, ज़बरदस्त होगी ही, आप वो ज़रूर देखेंगे और आप ज़रूर सोचेंगे कि राजपाल यादव साहब जी को उनकी एक्टिंग को कितना अंडर एस्टिमेट अभी तक किया गया है। तो बस यही मेरा ट्रेलर रिव्यू था इस मूवी का और मैं ज़रूर टाइम निकाल के इस मूवी को देखूंगा और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप ये मूवी देखेंगे या नहीं देखेंगे। बाकी और भी व्लॉग्स जो है मेरे इस चैनल में वो आने वाले हैं, सिक्किम का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है और इसका जल्दी से नया जो व्लॉग है वो भी रिलीज़ मैं कर दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, लाइक करते हुए जाइएगा इस वीडियो को और बस यही है, मजे कीजिए, ऐश कीजिए, अभी के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।